Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the fifth chapter of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ka panchva adhyay padh rahe hain and we have completed 5.7. So we are going to start with 5.8 and 9. So can anyone read the translation of 5.8 and 9? Person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Read 5.10 also. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto Supreme Lord, is unaffected by sinful actions, as the lotus leaf is untouched by water. Brahmani Adi Karmani Karmani Sangam Tyaktva Karoti Yah Lipyate Na Papena Padma Patram Iva Ambasa. So these two verses are very important. Please understand. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉर्ड इज सेइंग जो सोचता है कि जब सारे कार्य में जो कर रहा हूं ईटिंग माय स्लीपिंग एवरी एक्टिविटी व्हाट एवर आई एम डूइंग इज ऑल आई एम कनेक्टेड टू गॉड हर वक्त मैं भगवान के साथ लिप्त हूं या भगवान के साथ मैं अटैच हूं वो व्यक्ति ही सुखी हो सकता है और वो पाप नहीं करता भगवान को छोड़ के जो कार्य करोगे ना उसमें पाप और पुण्य का हिसाब किताब लगता है अदरवाइज वन इज अटैच टू गॉड इन ऑल एक्टिविटीज ऑल दिस लॉर्ड इज सेइंग बिकॉज अर्जुन हैड आस्क्ड द क्वेश्चन क्या मैं युद्ध में लड़ने से पाप नहीं करूंगा लोगों को मारूंगा युद्ध में लड़ूंगा तो मैं लोगों को मारूंगा तो उससे मुझे पाप लगेगा तो व्हाट इज कृष्णा इज गिविंग एन आंसर अ पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस द वर्ड इज डिवाइन हु इज इन involved in transcendence, who is flowing in transcendence. Although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing. सांस लेने से लेके सब कार्य में चाहे वो खा रहा हो चाहे वो सूंघ रहा हो चल रहा हो सो रहा हो सुन रहा हो देख रहा हो हर चीज में उसको भगवान के संबंध ही देखना वो है डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑलवेज नोज विद इन हिमसेल्फ दैट ही एक्चुअली डज नथिंग एट ऑल वो खुद कुछ भी नहीं कल ही मैंने एग्जाम्पल दिया था हमको लग रहा है मैं हम क्या किडनी अपना ब्लड साफ कर रहा है लिवर स्प्लीन अपना कार्य कर रहा है तब आप जाके खाने को पचा पा रहे हो नहीं तो कैन यू डाइजेस्ट फूड ऑल्सो आप खाना भी नहीं पचा पाओगे तो इसका मतलब क्या है यू हैव टू बी अंडर द रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द मर्सी ऑफ नथिंग यू आर डूइंग आप कुछ नहीं कर पाते चाहे वो आपका कोई भौतिक काम ही क्यों ना हो यू नो व्हेन अर्जुना बहुत सारे बैड वुमेन्स देखा युधिष्ठिर महाराज ने तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है जाओ कृष्ण को मिल के आओ देख के आओ सब कुछ सही है कि नहीं क्या उस जमाने में इंटरनेट नहीं था और आज का ताजा खबर आजकल आता है ना टीवी में क्या बोलते एकदम डर लगता है ब्रेकिंग ऐसा ठाड़ ढोड़ आवाज देता है डर लगता है क्या कहते हैं भूचाल हुआ क्या कुछ नहीं कुछ छोटा सा कुछ हुआ रहेगा उसको इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज करके आवाज देंगे वो तो ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में तो बैड वुमेन्स कुछ अशुभ संकेत देखा उन्होंने तो उन्होंने बोला जा अर्जुना जाके देख के वहां जाके देखा पता चला कृष्ण अब इस धरती पे नहीं रहे कृष्ण स्वरूप कृष्ण है कन्वर्ट फिनिश्ड ऑफ हिज लीला तो मनुष्य लीला तो ही वॉज वेरी अपसेट बट ही वॉज गिवन द जॉब टोल्ड उद्धवा एंड उद्धवा टोल्ड कि आप एक काम करो इनकी पत्नियां जो है वो विरह में बहुत दुखी है इनको लेके जाओ कुछ पत्नियां गोपियां जो है
वो द्वारका में गोपी तालाब में चले गए थे ना, हम लोग गए थे ना गोपी तालाब, तो वो लोग गोपी तालाब वहाँ गोपियाँ कुछ वहाँ चली, बट कुछ जो सखियाँ थी जो पत्नियाँ थी उनको लेके अर्जुन आ रहा था एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि भाई आफ्टर ऑल आई एम अंडर द किंग, चक्रवर्ती राजा तो युधिष्ठिर महाराज हैं और मैं कौन हूँ, महाभारत युद्ध का योद्धा, मेरा गांडीव के सामने कोई टिक नहीं सकता. एंड ही वॉज अटैक्ड बाय भील्स, जो आदिवासी लोग है ना उन्होंने उसको अटैक किया और सब कुछ, एक भी कृष्ण की पत्नी को बचा नहीं पाया, सबको उठा के लेके गए वो लोग. इन अनदर पुराण दैट इज द स्टोरी इज जस्टिफाइड, दिस लीला इज जस्टिफाइड. बट नाउ लेट्स कम टू महाभारत, लेट्स स्टिक टू महाभारत. तो महाभारत में कहा गया है कि भाई जब अर्जुन वापस आया युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, ही डिड आस्क मी तू कैसा है एंड ऑल दैट, ही जस्ट आस्क्ड हिम क्या खबर है. तो बोला अब हम अनाथ हो गए, कृष्ण हमको छोड़ के चला गया और मुझे मेरी औकात पता चला. बोला क्या हुआ, बोला सारे जो पत्नियों कृष्ण की पत्नियों को मैं लेके अपने संरक्षण में लेके आ रहा था उनको, व्हाट हैपेंड टू देम, दे वर आर किडनैप्ड बाय आदिवासी. जिस गांडीव पे मुझे घमंड था आज वही गांडीव आदिवासी, क्षत्रिय छोड़ दो, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ क्षत्रियस, वॉरियर्स दुर्योधन ये सब, भीष्म सब लड़ाई किया उसने, इतना युद्ध किया, इतना बड़ा वॉरियर, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बॉडी. वो कला सब मेरा रह गया धरा का धरा और हार गया. तब अर्जुन कहता है कि मुझे पता चला मेरा असली ताकत तो कृष्ण. याद रखना गुरु और भगवान ये दोनों ही जीवन की असली ताकत. एक बताओ रामचंद्र जी और विश्वामित्र मुनि ये सब गए थे रामायण में, आप लोगों को तो पता रहेगा धनुष तोड़ा, सीता का विवाह हुआ. तो हाउ कम लॉर्ड रामचंद्र जी वॉज एबल टू ब्रेक द बॉ, ऐसे तो बड़े बड़े वीर आए, बड़े 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 योद्धा आए, तो कैसे कि रामचंद्र जी को ही ना बो को तोड़ पाए, क्या धनुष को तोड़ पाए. तो आचार्यगण का कहना है बाकी जितने भी योद्धा आए थे ना बड़े वीर थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़े ताकतवर थे, मगर वो अपने गुरु के साथ नहीं आए थे. रामचंद्र जी किसके साथ आए थे, अपने गुरु के साथ आए थे. और जब गुरु की कृपा हो, नहीं तो ही कैन नॉट शो हिज सुपरनैचुरल पावर्स, क्योंकि वो मानव इसमें है, मानव लीला कर रहे हैं ना रामचंद्र जी, मानव लीला में वो सभी मानवों के समान है. सीधे जाके हिरण को भी पूछते हैं सीते किधर है, झाड़ों को पूछ रहे सीते कहा क्यों, उसको पता नहीं, पता तो है ही इज गॉड, बट राइट नाउ ही इज मानव लीला, सो ही नीड्स वेपन्स, ही नीड्स ट्रेनिंग, ही सो नो मानव की तरह वो कमजोर है, बलहीन है, डिपेंडेंट है. तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी आए वो किसके साथ आए थे, गुरु के साथ. तो इट इज विदाउट गुरु एंड विदाउट गॉड एवरीवन इज यूजलेस. एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड एंड योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपका जो आध्यात्मिक प्रगति जो है वो भगवान का, सॉरी गुरु के हैं. गुरु कृपा से, भगवान कृपा से ही गुरु मिलती है और गुरु कृपा से ही. इसके लिए कहते हैं ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. मतलब क्या, ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड ढूंढ लो, ब्रह्मांड घूम के देख लो कौन है वो भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड भाग्यवान जीव कौन है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास गाड़ियां हैं, ये है वो है, नहीं वो नहीं है. कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, गुरु और कृष्ण का प्रसाद जो पाया, जिसने गुरु पाया उसने कृष्ण को पाया, जिसने कृष्ण को पाया उसने अपने आप डायरेक्टली कृष्ण के पास चले जाओ, बोलेगे अच्छा ये तो जीवन में गुरु भेजता हूं. सूर्पणखा भी गई डायरेक्टली रामचंद्र जी के पास, मुझे कोई बीच वाला नहीं चाहिए. तो रामचंद्र जी बोला नहीं नहीं तुझे एजेंट देता हूं मैं, जाओ लक्ष्मण के पास.
और लक्ष्मण के सामने जाके उसने नाटक किया भगवान के सामने, तो गुरु ने क्या किया, अपना कान फाड़ दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और गुरु और कृष्ण दोनों मिलके देते क्या है, एक भक्ति का एक लता, लता मतलब छोटा सा पौधा जिसको सींचना आपका काम, और जो एक दो राउंड करके चैंटिंग करके सींच नहीं सकते, याद रखो सींचना पड़ेगा। तो जैसा आप लोग अच्छी तरह से खा पी के पत्ती करते हो, मतलब खाना खा कर जीते हो, वैसे आपके पौधे को भी अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। तो यू हैव टू फीड सिंग बाय श्रवणम एंड कीर्तनम, सुनना और भगवान का नाम लेना, ये दो चीजों से ही आप आपकी भक्ति के पौधे को आप सींच सकते हो। तो भक्ति का पौधा कभी सींच नहीं पाओगे आप। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा ही समझ सका कि भाई मैं कुछ काम का नहीं हूं, अगर अर्जुन से अकलबंद कौन था पता है, नहीं अर्जुन से अकलमंद कौन था, कर्ण। कैसे कैसे कहूं, जब विक्रीड़ा हो रही थी ना, ईश्वर एक एक करके सब हार रहा था, एंड में उसने अर्जुन ने अपना गांडीव धन धन जो धनुष था सॉरी बहु था वो भी छूट गया उसके हाथ से, ही लॉस्ट दैट ऑल्सो। तो दुर्योधन ने कर्ण को बोला उठा ले गांडीव को, तो कर्ण इंसल्ट्स द गांडीव। ऐसे सब चीजें है ना हमारे काम के नहीं, ये सब बहुत छोटे चीज तो तुच्छ बात करके इंसल्ट कर देता है। बाद में दुर्योधन गुस्सा, अरे पागल इतना अच्छा मौका था गांडीव लेने का, तो गांडीव नहीं ले, मुझे पता है वो गांडीव जब तक कृष्ण है साथ में तब तक चलेगा, कृष्ण चले जाएंगे तो काम नहीं करने वाला। सो कर्ण न्यू द एक्चुअल पावर और द थ्रस्ट और द फोर्स विच वॉज बिहाइंड अर्जुन, अर्जुन के पीछे का थ्रस्ट। सी दीज आर ऑल लेसन फॉर अस, क्यों डॉक्टर साहब, बिग बिग डॉक्टर्स परफॉर्म बिग ऑपरेशंस, समटाइम्स इट सक्सेसफुल समटाइम्स इट इज नॉट, डिजास्ट्रसली गोस बुचर्स ऑफ, हाउ हाउ कम, द सेम डॉक्टर सेम डिसीज और द सेम प्रॉब्लम बट समटाइम्स इट गोस एक्सलेंटली फाइन एंड द पेशेंट इज फुल्ली हील्ड एंड एवरीथिंग डन एंड समटाइम्स इट गेट्स बुचर्ड। दैट मीन्स वॉट, everything is a thrust behind you is because of the mercy of God, भगवान कृपा से ही आप कर पाते हो, नहीं तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य, मैं जस्ट एन एग्जाम्पल, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करें या कोई भी ऑफिस काम करें, कोई अच्छा माता जी अच्छा भोजन बना ले तो भी समझ लेना आपके ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो आप खाना भी अच्छा नहीं बना। So, because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with the object and he is aloof from them. ये अकलमंद आदमी कि वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है, ठीक अच्छा लग रहा है ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद एसी बंद हो जाएगा, अब बस धूप में पसीना बहाना पड़ेगा, इसके साथ लिप्त नहीं रहता, इन चीजों के साथ लिप्त नहीं रहता। मिल गया ये भी मिल गया तो ठीक, वो भी मिलेगा तो ठीक, आने वाला ही है भगवान, जो जब देंगे तब लेना ही पड़ेगा, rather than accepted, rather than trying to fight it over, thinking that I am capable of doing it. So, Prabhupada writes a very nice purport in this chapter. He says in this verse. He says, a person of Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon the five immediate and remote causes, the doer, the worker, the situation, the endeavor and fortune. This is because he is engaged in loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be,
to be acting with his body and senses. He is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement in material consciousness. The senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are in the satisfaction of Krishna's senses. कोई व्यक्ति हो सकता है प्रभु जी क्या फायदा, आई एम नॉट गेटिंग अ कार, आई एम नॉट गेटिंग माई बाइक, आई एम नॉट गेटिंग माई हाउस, आई एम नॉट गेटिंग माई हस्बैंड. ठीक है, मटेरियल पर्सन क्या सोचेगा, ये भगवान क्यों नहीं दे रहा है, वाई एम आई नॉट गेटिंग इट, आई डिजर्व इट. बट भक्त क्या सोचते है? जब प्रभु की इच्छा होगी तभी आएगा. जब भक्त ऐसा सोचते ना तभी प्रभु सोचने लगते, ओ मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसको कुछ उसका सेवा करना पड़ेगा. ये क्या कर रहा है, यू नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, यू नो जनरली यू सी, कोई बच्चा अगर माँ के आगे माँ के पास पूछे माँ भूख लगी है, अब बता बेटा देती हूँ थोड़ा देर में, देती कब चुप रह जाए या एकदम मुरझा के बैठ जाए, माँ को अपने मन में दुख लगता है तुरंत जाके उठ के फटाफट खाना बना, और वही बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है तो फिर माँ क्या बोलती है, माँ इज बिजी फाइटिंग रादर देन कुकिंग, द मदर एंड चाइल्ड आर बिजी फाइटिंग. दैट इज व्हाट हैपेंस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वन हु डांसेस टू मच इन फ्रंट ऑफ गॉड ना, डांसेस इन द सेंस हु डिमांड्स टू मच इन फ्रंट ऑफ गॉड, गॉड वाज देयर शांति से. बट इफ समवन सिंसियरली रिक्वेस्ट लॉर्ड प्लीज डू इट, आपको जब देना दे दो तो भगवान सामने से आ उठ के उसकी सेवा कर. दैट इज द स्पेशलिटी इन अ भक्ता. इवन दो ही अपीयर्स टू बी एंगेज इन अफेयर्स ऑफ द सेंसेस, एक्टिविटीज सच एज सीइंग एंड हियरिंग आर एक्शंस ऑफ द सेंसेस मेंट फॉर रिसीविंग द नॉलेज, वेयर मूविंग स्पीकिंग इवैक्यूएटिंग एक्सेट्रा आर एक्शंस ऑफ द सेंसेस मेंट फॉर वर्क. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the sense. He cannot perform any act except the service of Lord because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. जो व्यक्ति समझ जाता है कि वो भगवान का सेवक है वो ही सुखी रह सकता है. Now the 10th verse which shows or explains अर्जुनस क्वेश्चन दैट मैं कहीं मैं पाप में लिप्त तो नहीं हूं, तो इसको एक्सप्लेन बढ़िया तरह से करता है. कहता है वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट सरेंडरिंग द रिजल्ट्स अनटू द सुप्रीम लॉर्ड इज अनसैटिस्फाइड बाय सिंपल एक्शंस एज द लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय वाटर. आई डोंट नो कितने लोगों ने लोटस लीफ को देखा है, पानी का अगर बूंद डाल दो ना ऊपर रोल होगा, इट विल रोल ऑन इट बट इट विल नेवर वेटन द लीफ. सिमिलरली लॉर्ड इज गिविंग एन एनालॉजी, गॉड इज गिविंग एन एग्जाम्पल, कृष्णा इज गिविंग एन एग्जाम्पल. वन हू परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट सरेंडरिंग द रिजल्ट्स अनटू द सुप्रीम लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय सिंपल रिएक्शंस. अगर वो भगवान, जैसे मैंने कल कहानी बताया था, ही नेवर अटैचेस. सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग है ना, वॉट इज भक्ति एंड वॉट इज ज्ञान. भक्ति और ज्ञान का अंतर, भक्ति और ज्ञान के बीच में फर्क है. वॉट इज टेल यस चिगर ब्रो, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान. सिर्फ ज्ञान होने से भक्ति नहीं मिलती, पर भक्ति होने से ज्ञान भी मिलता है. ओके समथिंग आया, ज्ञान इज एवरी क्रिया व्हाट वी डू. मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी पहले, अभी भी बता. एक बार है ना, साधु जा रहा तो एक जाल में ना एक पक्षी फंसा हुआ, तो साधु को बहुत दया आया, पक्षी को निकाला, समझाया क्या फंस गया तू, देख लालच में सेंस ग्रेटिफिकेशन में तू मरते मरते बच गई, मैंने तेरे को बचाया बट अभी तुझे मैं सिखाता हूं. तो उसने सिखाया उसको, क्या बोला, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना मत,
अच्छी तरह से उस पक्षी को, उस चिड़िया को सुना दिया। चिड़िया भी हाँ हाँ बराबर गुरु जी समझ में आया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और फंसना नहीं। अच्छी तरह समझ में, वो तो वो उसने कुछ बाकी अपने जोड़ीदार पक्षी जो थे ना उनको भी सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब पूरा झुंड सीख लिया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, साधु बहुत खुश हो गया, अब सारे पक्षी एजुकेटेड हो गए, हाँ ज्ञानी हो गए, अभी लोग फंसेंगे नहीं। थोड़ा दूर आगे जाके देखा एक शिकारी जान, स्मार्ट था मेरे पक्षी जो है ना अब अकलमंद बन गए, शायद साधु में अकलमंद बन गए हैं वो, मैंने उनको सिखा दिया है, मगर बोल रहे उड़ते उड़ते पक्षी बोल, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। बोलते जिंग नीचे आए, दाना खाए और फंस गए। तो कहते हैं ये जो भक्ति जो है ना वो है शिकारी आएगा, ये भक्ति। मगर ज्ञान, ज्ञान का अभाव और द रियल नॉलेज इज व्हाट व्हेन यू इंप्लीमेंट इन लाइफ, इफ यू डोंट इंप्लीमेंट इन लाइफ दैट इज जस्ट रिमेन्स इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं टिंग 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 घर में दिया बत्ती किया ये किया, वी आर नॉट गेटिंग द ट्रू नॉलेज, असली ज्ञान हमको मिल नहीं रहा। क्यों? हम लोग भक्ति के आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर सही भक्ति करोगे तो ज्ञान मिलेगा, गुरु के वचनों को सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा। दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज। सो कंट्रोलिंग द सेंसेस इज नॉट पॉसिबल जस्ट बाय लिसनिंग, बाय कंट्रोलिंग। सिर्फ सुनने मात्र से बच्चा अगर सुन के चला जाए क्लास में, 2+2=4, हाँ ठीक है, जब तक घर में जाके रटता नहीं है 2+2=4, 2+4=6, जब तक वो घर में जाकर रटता नहीं या प्रैक्टिस नहीं करता ये ज्ञान बेकार है। क्लास अटेंड कर लिया इससे ज्ञान नहीं मिलता। सो वन हु परफॉर्म्स, हाँ सो वन हु परफॉर्म्स इज ड्यूटी विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, दिस परफॉर्म्स इज ड्यूटी। He is unattached, he is not affected by any sinful reactions. Otherwise, reactions will be. तो युद्ध में लड़ते वक्त भी कृष्ण को कभी, अपना अर्जुन को कभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्यों? Because he did not incur any sin for killing so many crores of people. क्यों उसको sinful reaction नहीं लगा? Because he was not attached to the results. पहले कृष्ण ने बोल दिया था चाहे वो लाभ हो अलाभ हो फायदा हो नुकसान हो जो भी हो आपको सिर्फ युद्ध लड़ना है। डू योर एक्शंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। रीड 5.11। द योगीज अबैंडन अटैचमेंट एक्ट विद बॉडी माइंड इंटेलिजेंस एंड इवन विद द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लेरिफिकेशन। द योगीज, यहां पे योगी किसको कहा गया? कर्मयोगी। देयर आर टू टाइप्स, ज्ञान योगी एंड कर्म योगी, दो दे आर साइमल्टेनियसली वन एंड द सेम। द सेंस कर्मयोगी, कर्म से अपना, यहां पे कर्मयोग के ऊपर ज्यादा फोकस है, इसके लिए आचार्य कहते हैं कि ये कर्मयोगी को ज्यादा बताया गया है। तो योगीज अबैंडन अटैचमेंट, एक्ट विद बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड इवन विद द सेंसेस। कैसे? सेंसेस से कैसे एक्ट करेंगे? हाउ कैन दे एक्ट विद सेंसेस? इंद्रियों से कैसे काम कर सकते हैं? भोजन कर रहे हैं, आज प्रसाद अच्छा बना है, और फिर क्या सोचेगा? हमारे भगवान को अच्छा लगा, देन इट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अरे नहीं, आज मैं तो, मुझे तो खट्टा लगता है।
अच्छा, अच्छा खट्टा सब्जी अच्छा लगता है या तीखा चटपटा लगता है, भगवान को पसंद आवे नहीं आवे मेरे को क्या, मैं तो अपने लिए चटपटा बनाऊंगा और खाऊंगा, देन यू आर इनकरिंग सिन। आपने भगवान के लिए खाना बनाया, भगवान आपको जैसे चाहिए वैसे बनवा के ले लेना मुझसे, बनाओ खाना बनाओ, बनने के बाद उसको खाते हो आहा अच्छा है, भगवान को भी आनंद आया है, देन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेंसेस ऑल्सो इन द एक्शन। सो योगी इज अबैंडन द अटैचमेंट एंड एक्ट विद बॉडी एंड माइंड इंटेलिजेंस एंड इवन द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को प्योरिफाई करने के लिए वो लोग ऐसे एक्ट करते हैं। सी देयर इज अ रियल, आई विल टेल यू अ रियल स्टोरी। एक बार वृंदावन में एक कृष्ण मंदिर में एक वहां का जो गोसाई था, जो हेड था, प्रीस्ट था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, देखो कल से सभी भक्तों को एक एक सेवा। मतलब क्या सेवा? रोज आप आज कल से, कल आप भोजन बना के लेके आना, परसों आप लेके आना, नरसों आप लेके आना, सबको एक एक दिन का सेवा दे दिया, सब कुछ कुछ करो और लेके आओ भगवान। उसमें से एक भगत था जिसका घर ही भगवान घर के मंदिर के प्रसाद से घर चलता, मतलब घर पे कुछ पकता भी नहीं था, मंदिर का प्रसाद में जो मिल गया वही खा के अपना पूरा परिवार का, अब उसका भी नंबर लग गया दो दिन बाद। अब क्या बोले, मन में तो थी सेवा करने की इच्छा, की इच्छा थी सेवा करने की, पर करे कैसे, बड़ा परेशान सोच रहा था भगवान क्या करूंगा क्या करूंगा। अपने गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने बोला देखो भगवान ऐसे नहीं कि उनको स्थूल चीज की जरूरत है, आप मन ही मन सोच लो कि भाई मैंने खीर बनाई, मैंने चने मसाले बनाए, छोले बनाए, कुछ भी बनाए, अब भगवान को भोग लगाओ, भगवान खा ले। अब गुरु जी ने बोला बात सही होगा, बट अब टेंशन ये था कि लोग मानसिक पूजा से मैं घर की पूजा कर सकता हूँ, वहां गोसाई जी के सामने लेके जाके देना पड़ेगा, हर कोई अपने भगोने में अपने बर्तन में कुछ में लाके दे रहे थे। तो इसने बोला ठीक है, गुरुजी ने बोला विश्वास था गुरुजी के वक्त पे शब्द पे, तो उसने बोला ठीक है आज रात को मैं चने भिगो रहा हूँ, अगला दिन सुबह मन ही मन सोचा मैंने चने साफ कर दिए, अब उसमें उसको चूल्हे पे लगा दिया, अब उसमें मैंने पानी डाल दिया, फिर अब नमक डाल दिया, उबाल रहा हूँ, नींबू निचोड़ रहा हूँ, मसाला डाल के तेल डाल के रोस्ट कर रहा हूँ, अब बढ़िया रोटी बनाई, दो रोटी बनाई, चार रोटी बनाई, मिस्सी रोटी भी बनाई मैंने, खीर भी बना दी, सब बना दी, सब बोल के कुछ प्लेट में कुछ नहीं, मन ही मन सोच रहे, उस बर्तन से निकाल के पतल में भी डाल दिया, भगवान के पतल में भी चने मसाला डाल दिए, रोटी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ऊपर से एक स्पून घी भी डाल दिया, सब धनिया भी ऊपर भबरा दिया, सब करके पत्थर से ढक के सीधा गोसाई जी के पास। और गोसाई जी बोला प्रसाद ठीक, गोसाई जी भी खुश हो गए, पत्थर लिए, उसको पता है मन के मन में पता है उसको पत्थर खाली है, कुछ नहीं है अंदर, पत्थर डाल दिया उसके अंदर, गोसाई उन्होंने वो प्लेट लेके गए अंदर गए, पर्दा डाल दिया और पानी डाल के टिंग 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 भक्त बाहर होने लगा, भगवान अब गोसाई जी अंदर से चिल्लाएंगे प्लेट में तो कुछ भी नहीं है, मैंने दे दिया है, एंड आई एम गोइंग टू गेट अ फायरिंग, एंड व्हेन विल आई हैव द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कब मेरे अंदर वो क्षमता आएगी आपकी सेवा करने की। और कुछ मिनटों के बाद वापस गोसाई जी आए, बोला हेले प्लेट वापस दिया, बोला गोसाई जी का मुंह देख रहा था, तो गोसाई जी बोला क्या हो गया, और आप भगवान को भोग लगा दिए? तो हाँ भगवान को भोग लगा दिया, क्या प्लेट खोल के देखा, जो जो उसने मन से भाव से बनाया था वो सारी चीजें वस्तुएं थी, रोटी थी, छोले थे, खीर थी, सब थी। तो बोला जाओ आगे जाके सबको बांट दो, दैट वाज द सिस्टम, बांट दे बांट दिए। तो व्हाट इज दिस, इज इट ट्रू लीला, ट्रू हैपन, ट्रूली हैपन, तो क्यों कहते हैं, वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस लीला, और वॉट यू अंडरस्टैंड, वॉट इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस लीला, द मैसेज इज भाव, भाव से
मैं इसलिए बोला भाव से, कई बार हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर आप अगर आप भाव से भक्ति कर रहे हो ना, तो भगवान तुरंत ले लें, ये एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। रीड 12। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. This is a, no, there is something called a theorem and there is something called as corollary. I don't know how many of you remember school days studies, theorem and corollary. The theorem was to, it gives a straight cut law. The first verse was the theorem. Straight cut law de diya tha. But ye verse jo hai na, this is giving the corollary of it or the implementation of it. It says the steady devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of all the activities to me. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं, मुझे सब वो अपना फल जो है वो मुझे अर्पण कर देता है. Whereas a person who is not in union with the divine, मतलब अभक्त जो है, जो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैंने इतने पैसे बना लिए हैं, मैंने इतना नाम किया है, मैंने ऐसा ऐसा कार्य कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता है, जो ऐसा सोच रहा है, who is greedy for the fruits of his labor, मेहनत का फल का भोगता अपने आप को जो समझता है, becomes entangled, उसको पर कर्म का विधि लगेगा. परस जो नहीं सोचता है उसको पर कर्म का विधि नहीं लगता है. जो कर्म का जो लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा जो है वो उस पर लगता है, जो नहीं सोचता है उसमें नहीं लगता. Anyone reads the translation? Someone can read the translation. I mean, purport of it. The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna, whereas the latter is attached to the results of his activity. The person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person, and he has no anxiety over the result of his work. Wait. No, once Srila Prabhupada was abroad in US and that बाहर से देख रहे गैलरी मतलब खिड़की से देख रहे थे लोग आए थे बात करने के लिए तो खिड़की के पास गया और खिड़की से नीचे से देखा नीचे क्या देखा उन्होंने he saw a big trailer US you know those days had big trailers आज भी हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े you know the container trailer जैसे big trailer was and he was just seeing that and after seeing his students asked, Prabhupada, what happened? That's a trailer. What are you seeing? You know, we can have a nice Rath Yatra in it, right? What did he say? We can have a nice Rath Yatra in the trailer. कहने का मतलब क्या था? उन्होंने हर चीज को देखा, भौतिक चीजों को देखा, पर उसके उसको भगवान पे कैसे युक्त करना है या उसको कैसे आश्रित करना है ये देखना था. His outlook was how to enjoy was not his thing. This is what is the point. Seeing जो बोला ना अपना पहले वर्ष में देखा ना seeing, eating, everything. Seeing का example was this. When he sees that yes, there is a trailer और ये trailer में भगवान के सेवा में use कर सकता एक truck. That is मतलब क्या है? हर चीज उनको अगर दिख रही है, हाँ कुर्सी दिख रही है, हाँ प्रचार के लिए अपने को और 100 कुर्सी लगेंगे तो अच्छा रहेगा. दैट इज सीइंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नॉट सीइंग फॉर हिज ओन पर्सनल, खुद के फायदे के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए जो देखेगा वो लिप्त नहीं रहता है कर्मों के फल से, वो भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है. इस कंटिन्यू इन द भागवतम द कॉज ऑफ एंग्जायटी ओवर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड एज बीइंग one's functioning in the conception of the duality, that is, without knowledge of the absolute truth. Krishna is the supreme absolute truth, the personality of Godhead. In Krishna consciousness, there is no duality. All that exists is the product of Krishna energy, and Krishna is all good. Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and have no material effect.
One is therefore filled with peace in Krishna consciousness, but one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. This is the secret of Krishna consciousness. Prabhupada, this statement is very important. One who does profit calculations. अगर किसी को बोले ना प्रभु जी अब जरा कलश करेंगे, नहीं 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 उसमें मेरे को ठीक से हाथ लगाने को भी नहीं मिलता है, मुझे पूरा सेवा करने को भी नहीं मिलता है, ये क्या आदमी है? वो आदमी क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेटर. ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. भाव से उसे भक्ति की क्यों? अगर वो पैसा देने के बाद वो हाथ लगाएगा तो हाँ तेरे हाथ के जल से मेरे सिर पे गिरा तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा. दिस इज सो स्टूपिड, सो फुलिश. दो मिनट पहले मैंने आपको भगवान के भाव के ग्रहण करने का मैंने कहानी सुनाया. वो कहानी सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, नहीं मुझे तो हाथ लगाने नहीं मिला, मैंने पैसे दिए उन्हें हाथ लगाने के लिए बहुत भीड़ था. That means what? You want profit loss. मैंने इतना दिया उसके सामने मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है. That's why Prabhupada is making, because he knows all type of characters are going to come into his form. He knows that. तो profit and loss जो कर रहा है वो जीवन में कहीं भी काम का नहीं है. वो आदमी कहीं भी काम का नहीं है, वो कहीं भी पहुंच सकता है. भक्ति में तो no place for. ऐसे देखने तो गोपियों तो loss ही loss. But the gopis were in loss. No. They didn't achieve him, right? He left them and went away. Gopiyan chhod ke chali gayi. To kya wo loss tha? Jab Uddhav unko gyan dene aaya tha, unhone Uddhav ko kya bola? The problem, Uddhav bola hai. Chhod na unko, soch mat na uske bare mein. Wo lampat hai, wo nirdayi hai, to chhod na. Uske bare mein sochta kyun hai? Bola uske bare mein mat sochna. Tab गोपियां कहती है करें क्या, हम उसके बगैर जी नहीं सकते. वी लव हिम ट्रूली. दैट्स व्हाट मेड द गोपीज द सुपीरियर डिवोटीज, नॉट द इंफीरियर डिवोटीज. दैट व्हाट मेड द गोपीज सुपीरियर टू ऑल डिवोटीज. अमंग ऑल डिवोटीज दे वर मोस्ट बिकॉज़ गोस उनको मिले नहीं फिर भी उन्होंने प्यार किया. व्हाट इज द लास्ट श्लोक ऑफ शिष्टाष्टकम से लंपटो नाणस्तु नत्पर. व्हाट डज ही से? व्हाट डज ही से इन दैट लास्ट? राखो भी मारो भी जो इच्छा, जो भी तुम अगर मुझे रखना चाहते हो रखो, जो भी हो मत प्राण नाथ, तुम मेरे प्राण के नाथ. सो दैट इज वाई इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ वन इज इन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस. कुछ लोग हैं मैं इस मंदिर में खाऊंगा उस मंदिर में सेवा करूंगा, है कैरेक्टर्स. तो दैट इज ऑल प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस इस धरती पे नहीं चलेगा. प्लीज इस भक्ति मार्ग में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चलेगा. इफ यू आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द गॉड इन दैट टेम्पल एंड द गॉड इन दिस टेम्पल, देन यू आर नॉट अ डिवोटी. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ओनली द स्टोरी ऑफ माधवदास जी हु लेफ्ट जगन्नाथपुरी टू गो टू वृंदावन. ही डिडंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी एंड वृंदावन भगवान. पर कुछ छोटे भक्त होते हैं वो करते. सो इट इज वाई नेवर इन्वॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. यस प्रो प्लीज गो अहेड. दिस इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन दैट देयर इज नो एक्जिस्टेंस बिसाइड्स कृष्णा इन द प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड फियरलेसनेस. यस वन शुड नेवर हैव दैट थिंकिंग. दिस इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कि आप किसी भी परिस्थिति पे आप सुखी हो. वी टेक वन मोर वर्स देन वी क्लोज आवर क्लास. सर्वकर्माणि मनसा. ओके लेट्स रीड द ट्रांसलेशन फर्स्ट फॉर 5 मिनट्स. व्हेन द एम्बॉडीड डिविनिटी कंट्रोल्स इट्स नेचर एंड मेंटली रिनाउंसेस ऑल एक्शंस, इट रिसाइड्स हैप्पीली इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स द मटेरियल बॉडी.
neither working nor causing work to be done. Very, very powerful words. Might be we'll have to continue next time a little. Try to complete it today or we'll continue next time. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates. This place is called as a city of nine gates. Purunjan ka story aayega Bhagavatam mein. Wahan pe how the city is infiltrated. Jaise kaise is एक बोलते ना एक राज्य में चारों तरफ दीवार होती है फोर्ट जैसा होता है फिर भी उसके अंदर घुस जाते हैं दुश्मन घुस जाते हैं कैसे घुसते हैं ये नव द्वार से ओनली बाय दिस नाइन गेट्स देयर इज एन एंट्री एंड सेकेंडली हाउ वन यू बिकम्स वीक एंड वन ऑफ दोज गेट्स and the entry of the enemy is allowed by the person himself. वो व्यक्ति स्वयं अंदर आने देता है दुश्मन को उसी द्वार को वो खुद ही द्वार को खोल देता है दुश्मन के लिए दुश्मन कभी द्वार तोड़ नहीं सकता द्वार ऐसे बना के दिए हैं शरीर का द्वार जो है इतने अच्छे बना के दिए मगर वही जब ये आंखों वाला द्वार जो है कानों वाला द्वार है जीभा वाला द्वार है उपस्थ वाला द्वार है उस द्वार से हम एंट्री दे देते हैं अपने अंदर इसके लिए कहते हैं द एम्बॉडीड लिविंग बीइंग कंट्रोल्स हिज नेचर एंड मेंटली रनस ऑल एक्शंस सभी कार्यों को वो मन से ही त्यागना चाहिए अगर आपने फिजिकली त्यागा उस काम का कोई फायदा नहीं है सपोज किसी को मैंने बोल दिया भाई आप शराब नहीं पीना है शराब पर अभी भी उसने मन से वो चीज को क्या नहीं भले वो छह महीने से एक साल से दो साल से पांच साल से शराब नहीं पी रहा हो सिगरेट नहीं पी रहा हो मगर मन से उस चीज को छोड़ा नहीं है वो चीज को भोगने की अभी भी अभिलाषा है थोड़ी भी है तो भी काफी है उसको बर्बाद करने दैट्स इनफ टू डिस्ट्रॉय बिकॉज दैट इज हाउ वन ऑफ द गेट्स दैट विल एंटर इट विल श्योरली एंटर सो वन हैज टू रिनाउंस थिंग्स फ्रॉम That's why Lord has already said, Karmendriyane samyamam yesta aste manasa smaran. Man mein agar smaran hai, indiyan artha vimudatma mithyachara sa uchyate. Usko mithyachari kaha gaya. So, buri aadatein ya buri cheezein jo hai, wo vyakti agar chhoot bhi jata hai, phir bhi uske paas wapas jane ka wo, you know that attraction, but pulling force kya hai, kahan se aata hai? क्योंकि वो अभी तक उसने मन से नहीं निकाला और जन्मों जन्मों से जो किया है ना वो इतना आसानी से जाता नहीं ना कई हम लोग कई बार बाबा देखते हैं साधु देखते हैं जो चिलम पीते हैं ये पीते हैं और फिर हम लोग क्या बोलते हैं अरे बाबा जी भी चिलम पी रहा है भांग ले रहा है यू सीन देम स्मोकिंग बीड़ी चिलम लेना एंड ऑल दैट ये उसका गलती नहीं है जन्मों जन्मों से जो करता है उसका परछाई है He has not become sadhu in one birth. There has been a transition from one to another. और इस transition के दौरान काफी अच्छा transition हुआ है बट अभी भी कुछ impressions अभी भी उसके mind में है गए जन्म इतना drugs लिया है इस जन्म में भी थोड़ा बहुत तो वो drugs लेगा है उसको धिक्कारने की जरूरत नहीं You don't have to discard him. But we have to understand. That is because of his purva karmas, he is still attached. So how do we get out of that? It is only when you renounce it from the mind, you will get it. The whole game plan is treatment of the mind. There is no treatment of the body, you know that? Believe it or not, the true incident. There was one person who was in... were having a great disease, you know, very incurable disease. Forgot the name of the disease, but incurable disease. So he was thinking, I'm going to die very fast. इतने में अचानक उसने newspaper में एक article पढ़ा कि उस बीमारी के लिए बहुत अच्छा vaccine निकला है और उस vaccine से वो ठीक हो सकता है। तुरंत उसने भागा, पैसे लगाए, vaccine मंगाया,
ले भी लिया. विद इन वन मंथ ही स्टार्टेड इंप्रूव, द वैक्सीन स्टार्टेड वर्किंग एंड ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर. अपने आप को अच्छा फील करने लगा और वो इंप्रूव होने लगा. मगर 3 महीने बाद उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो वैक्सीन फेल हो गई. क्या पढ़ा उसने? दैट वैक्सीन हैज फेल. 1 महीने में मर गया, 1 महीने में मर गया. अभी जिया कैसे? ठीक, अच्छा फील हो रहा था उसको, तो 2 महीने से अच्छा फील हो रहा था और 1 महीने में मर गया. सो मोस्ट पावरफुल इज दिस माइंड एंड मोस्ट डेंजरस डेडलीस्ट इज द माइंड एंड दिस वी कम टू नो थ्रू द भगवद गीता. चंचल में मर कृष्ण प्रमाद बलवत दृढ़ बहुत खतरनाक. कब आदमी को दिमाग खराब कर दे, कब अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाए, टाइम इट डजंट टेक टाइम. इट इज अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग. सो दैट इज व्हाई ही सेज प्लीज रिनाउंस इट, मेंटली रिनाउंस द एक्शंस. डोंट, ठीक है अब छोड़ दिया है, बट कोई कोई व्यक्ति है ना पास्ट में जाके हाँ क्या हो? चिकन का स्मेल क्या था? क्या बहुत खाता अभी छोड़े हैं, 5 साल हो गए छोड़े हाँ छोड़ा, अभी भी उसका स्मेल तो पास्ट में ले रहे हो ना. तुमने कभी किया था? अरे वो रम एंड जिन का तो स्पेशल पूरा कुंडी देगा उसे. दे कैन गिव द फुल बायोडेट और व्हाट इज इट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. बट That means what? You are still not renounced. आपने अगर कोई चीज को, कोई भी गंदी चीज को अगर जीवन में आपने छोड़ा है तो पहले मन से छोड़ो. जीवा से दूर करने से आप उस चीज को, या कोई भी आदत, I mean, it's not just necessary to be eating. It can be any habit. It can be any habit, any bad habit it can be. But if one realizes, yes, I want to go into the transcendental path, भक्ति का मार्ग में जाना है, तो उसको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा. जब तक उस चीज को छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना? ओके, टेक दिस अगेन लिटिल मोर डिटेल नेक्स्ट टाइम. टिल देन ओके, क्लोज टुडेज लेक्चर. एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट्स क्वेश्चंस कैन आस्क.